अच्छा क्लेफ्ट लिप, आपका दो सर्जरी हुआ है पहले ना? ओके, बड़ा सा फिस्टुला भी है। हाँ हाँ करो। ओके बंद करो, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम नाक का भी है। चलो आपको अभी क्या करानी है, सिर्फ अंदर का होल क्लोज करना है कि थोड़ा लिप और ये मसूड़े के पास थोड़ा सब कुछ करना है ना, क्या क्या करना है आपको? आवाज क्लियर होना है, ठीक है। आवाज क्लियर होने के लिए इनको दो ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगा। पहले ऑपरेशन का नाम बोलते हैं इसको फिस्टुला क्लोजर, क्योंकि इनका बहुत बड़ा ओपनिंग है। बिना ओपनिंग बंद किए बातचीत बिल्कुल सही नहीं हो पाएगा, तो पहला हम उसको करेंगे। उसके बाद आपको 6 मंथ तक वेट करना पड़ेगा। फिर सेकेंड सर्जरी होता है, उसको बोलते हैं स्पीच सर्जरी, वो मैं 6 मंथ के बाद कर सकता हूँ, लेकिन ये होल एटलीस्ट 90% बंद होना है। इतना बड़ा रहेगा तो स्पीच सर्जरी करके कोई फ़ायदा नहीं। इसकी वजह से पहला फिस्टुला क्लोजर करेंगे, बहुत बड़ा फिस्टुला है इनका, मोर देन 1 इंच है, तो ये पहला ऑपरेशन करके क्लोज करेंगे। थोड़ा मेजर सर्जरी होगा आपको। अगर आप चाहते हो जब हम फिस्टुला क्लोजर करते हैं वही टाइम पे मैं आपको लिप भी कर सकता हूँ, इसको आपके लिए ना ही ज़्यादा खर्चा पड़ेगा और लिप 100% नॉर्मल कर देंगे, जैसा किसी को मालूम नहीं हो कि इनका कोई डिफेक्ट था। ये आपके ऊपर है, ये कॉस्मेटिक सर्जरी पे चलेगा आपको लिप का, क्योंकि जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी था आपका हो चुका है, तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी कर सकते हैं। चाहिए तो शांति से नाक भी कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। फिस्टुला क्लोजर के साथ सिर्फ लिप रिविजन कर सकता हूँ मैं आपको। जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे स्पीच सर्जरी के लिए, तब चाहिए तो नाक कर सकते हैं, अब नहीं हो पाएगा। ऐसे नाक भी इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है सर। तो आप इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो। मेरी बात क्या है, आप इनका पहला फिस्टुला क्लोजर करके लिप कर सकते हो, तो दोनों बाहर से भी अच्छे हो जाएंगे, अंदर भी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। 6 मंथ के बाद जब आप आओगे स्पीच सर्जरी करेंगे कलस, और दांत का थोड़ा काम कर सकते हो अगर आप चाहते हैं तो। नाक आप डिसाइड करो, बाद में चाहिए तो करो, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो सर ये जो फर्स्ट में आप मतलब लिप वाला जो क्लियर कीजिएगा इसको, हाँ ठीक है। ये करने के बाद मान लीजिए, बोलिए। हाँ ये करने के बाद आवाज क्लियर साफ जितना अभी है इससे थोड़ा कुछ क्लियर नहीं होगा सर? होगा, कुछ क्लियर होगा, क्लियर होगा थोड़ा, लेकिन इनको दो सर्जरी स्पीच सर्जरी करने के बाद ही ज्यादा क्लियर होगा एकदम। सर स्पीच सर्जरी करने के बाद 90% कर देंगे क्लियर, 90% आवाज या 100 भी हो जाएगा, मतलब ये कंफर्म है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। हाँ पूरा क्लियर कर सकते हैं, आवाज नॉर्मल हो सकता है। अच्छा कितने पेशेंट्स को करते हैं हम ऐसे, बिकॉज कैसे बताऊँ मैं आपको, बातचीत करने के लिए मसल्स सही जगह में होना चाहिए। जब हम बात करेंगे ना तो मसल्स ऐसा ऐसा मूवमेंट होता है, इनका मसल्स तो मूवमेंट हो ही नहीं रहा, फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, मुंह का जो हवा है वो नाक के अंदर घुसेगा तो आवाज़ नेजलिटी हो जाता है। आप बताइए, नाम बताइए आपका, एक दो तीन बताइए, 10 तक, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसमें पूरा नेजलिटी भी है, क्लैरिटी भी नहीं है, तो दोनों इम्प्रूवमेंट के लिए दोनों प्रोसीजर करना पड़ेगा आपको। तो स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्रूवमेंट करके जाएंगे, एक ही बार करके अच्छा स्पीच नहीं आएगा। 6 मंथ से पहले मुश्किल होगा, 4 मंथ तो वेट करना पड़ेगा आपको, बिकॉज आपका 2 बार ऑलरेडी सर्जरी हो चुका है, मैं 3री बार कर रहा हूँ। तो क्या होता है, एक एक बार करते समय वहाँ खून कम होते जाता है, तो जब खून कन होते जाता है तो वो सूखने के लिए ज़्यादा टाइम होते रहता है, तो इसीलिए एक और बार सर्जरी करना जल्दी उचित नहीं है। ये सर ये जो आपको गिफ्ट है अभी जो नाक का प्रॉब्लम है, ये क्लियर हो जाएगा सर ना? क्लियर होना चाहिए, 90% तक क्लियर होना चाहिए एक ही बार में। 100% का मैं गारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज बहुत बड़ा है और 2 बार हो चुका है, और मैं स्कैन में नहीं देख पाऊँगा, ये सर्जरी करते समय मैं देख पाऊँगा, लेकिन आपका इतना गारंटी दे सकूंगा कि इनका जो स्पीच है अभी तुम रिकॉर्ड करके रखो फ़ोन में कहीं पे भी, और जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा मैं आपको बताएंगे, फिर आप रिकॉर्ड करके देखो स्पीच कैसा है, इतना फ़र्क आ जाएगा आपको, नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन एक बार में नहीं होगा।
ये आपको याद रखना है। कुछ तो जरूर आएगा ना, इम्प्रूवमेंट तो लगेगा। हाँ, आप देखने में भी लगेगा आपको फर्क, सुनने में भी लगेगा फर्क। हाँ वो तो है सर। इसका जो एक्चुअली ये है, ये एमबीए करने के लिए जा रहा था तो सर उसमें कन्विंस करने के लिए, तो मान लीजिए आदमी को बात करने से थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं होगा तो सर कंपनी तो सर इसको सर मालूम है, निकल देगा। मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए सब करना पड़ेगा। ये अपना अब क्या पढ़ चुके हैं अभी, ये हमारा दिल से नहीं कर, हम लोग दिल से नहीं चाहते कि सर बार बार मान लीजिए इसको डिस्टर्ब करेंगे। नहीं 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 नहीं, करना चाहिए सर, ऐसा थोड़ी ना छोड़ोगे आप। बाय फोर्स हम लोग लेके आएंगे सर। तो ये जो बोल रहे हैं सच, तो सही तो बोल रहे हैं। आपको जो कराया सच सही नहीं हुआ अभी तक। हम जगह गलत जगह चल चले गए सर, हम दूसरा। आप देखो, मैं आप इनका ये एमबीए पढ़े हैं तो आप ये भी सही करा लो इनको, ताकि देखने के लिए बिल्कुल क्लियर लग हो जाए। अब ये 90% अच्छा है या 85% अच्छा है, ये मैं आपको 100% कर सकता हूँ। अभी पैलेट के समय भी हो सकता है आपको, तो एमबीए करे तो फिर देखने भी के लिए भी तो सही है ना। बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल होना है तो फिर नाक के लिए आना पड़ेगा, फिर दांत के लिए आना पड़ेगा। ऐसा करो, आपका दांत सही नहीं है, दांत अंदर गया हुआ है। सब कुछ कैसे कर सकते हैं हम दो सर्जरी में, सिर्फ स्पीच के लिए बोल रहे हैं अभी हम। आपको सब कुछ करना पड़ेगा, मैं आपका जबड़ा भी करूँगा, उसके लिए आना पड़ेगा सेपरेट, नाक सब कुछ हो सकता है। आप आने के लिए तैयार हो, जैसे हम बोलेंगे मुझे 1 साल टाइम चाहिए, पूरा दांत फेस जबड़ा नाक लिप सब कुछ नॉर्मल करके छोड़ सकते हैं। बट आपको, आपके पास टाइम होना चाहिए, और हमारे पास कोई फंडिंग वंडिंग नहीं है, तो आपका इसका जो खर्चा जितना मिनिमल होगा उतना बताएंगे, वो आपको रेडी करना पड़ेगा। ये तो है दो चीज़ें जो आपके साइड पे, वो सब बाहर पूछेंगे। जो सर्जरी करना है मैं आपको लिख दूंगा प्रोसीजर का नाम, तो मैं लिख देता हूँ पहले ना, फिर आप पूछ लीजिए बाहर, आपको पूरा एस्टीमेट दे देंगे, फिर आप डिसाइड करो। अब ये ऐसा भी नहीं है कि इसको तुरंत करना है, 6 महीने के बाद भी कर सकते हैं, 1-2 साल भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि टाइम ज़्यादा हो गया तो रिजल्ट नहीं आएगा, अगर इनका 40 साल होता है ना कर सकते हैं वापस। मैं ये तो सही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये नहीं सोचना कि अरे अभी टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, ऐसा नहीं है। ये दांत जो बोल रहे हैं तो बाद में होगा ना सर? बाद में होगा, आपको चाहिए तो। तो वी गोइंग टू डू लिप रिविजन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑल्सो फिस्टुला क्लोजअप। सो आई एम शो यू हिज फिस्टुला नाउ। यू सी ही इज ऑलरेडी हैड 3 revision cleft palate surgeries and he's still left with a pretty large fistula, which I tend to call as a bidimensional fistula. It's more than 1 inch in diameter on the longitudinal axis and about 0.5 centimeter wide in the horizontal axis. These fistulae, which are very, very close towards the alveolus or towards the teeth on the base of the nose, are really hard and challenging to close because of the fact that there is very little tissue there, because of the fact that there's severe scarring, and also because of the fact of prior surgeries that he's had. Now, we're also going to improve his lip. This is going to be much more straightforward. Yes, he's had some surgeries before, but still there's not much scarring. So we can get the length on the lip and get a nice shape, improve the scar and the overall dimension or the overall shape of the lip. Thank you. He's got very, very symmetrical lips now. अंदर भी बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड। योर फादर इज देयर, सो दैट वाज़ अ लिप रिविजन दैट वी डिड फॉर हिम। सो वी हैव इंप्रूव्ड द शेप ऑफ द लिप, द थिकनेस एंड द प्रोजेक्शन। यू कैन सी दिस इज जस्ट day 7, इट डजंट इवन लुक लाइक ही हैड अ क्लेफ्ट लिप। आप देखो इनका जीप बिल्कुल आपके तरह हो गया है। हाँ, अब इसको कोई पता नहीं कर पाएगा कि इनका जन्म में कोई दिक्कत था। ऐसे कैसे नॉर्मल हो गया? अंदर है वो भी अच्छा है, लेकिन अंदर का स्टिचेस हम नहीं निकालेंगे अभी, 5 हफ्ता रहेगा। अच्छा, बाहर का सूख गया, अंदर का पूरा नहीं सूखा, थोड़ा ही बाकी है, सॉरी थोड़ा ही सूखा है, और 4 हफ्ता लगेगा। 4 हफ्ता इनको ध्यान से आपको देखना है, ठीक है?
अंदर में सर जो आपको ये था आपको हाँ. गिफ्ट था तो उसको जो फीलिंग की आपको हाँ. तो ये साइड में जो है ना उसका बोला कि दर्द कर था ये साइड में था तो दर्द ठीक है रहेगा सर ये जो आपको फीलिंग की है हाँ. इसमें तो किस तरह का मान लीजिए आपको नेक्स्ट में आपको होल होने का चांस नहीं ना है सर अभी तक होल नहीं है अभी तक नहीं है लेकिन सर कितना दिन तक पता चलेगा हाँ ये नहीं होना चाहिए आपको नहीं होगा सर कॉन्फिडेंस है सर जनरली क्या होता है पहला हफ्ता में नहीं होता होल फिर जिंदगी भर नहीं होता अच्छा अच्छा आपको वहाँ पे इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए क्योंकि मुंह के अंदर कीड़े मकोड़े कुछ भी हो गया इन्फेक्शन हो सकता है और दूसरा क्या है ये जब ब्रश करते हैं तो वहाँ पे लगना नहीं चाहिए ब्रश नहीं करेगा अभी सर नहीं नहीं करना है नहीं करेगा तो कीड़े मकोड़े आ जाएंगे ब्रश नीचे नॉर्मल करो ऊपर ध्यान से करना है और कुछ नहीं होना चाहिए ठीक होना चाहिए अभी तक 7 दिन अच्छा है ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट है अभी भी पूरा एकदम परफेक्ट है जब अभी देखा मैंने ये सर दांत पर निकाला है क्या सर निकाल दिया दांत भी दांत निकाला ना हाँ वही देख रहे हैं सर हाँ वो दांत निकाल दिया और यहाँ ये सामने जो आपको बगल में जो आपको होल था वो भी सर्कुलर हो गया ना हाँ मेरे को भी याद नहीं है चार्ट देखना है याद नहीं आता बिकॉज कितने सजेस्ट कर रहा हूँ अंदर का याद है साइड का याद नहीं है चार्ट में देखना है उसको थोड़ा देख अगर हमने करेंगे बोला तो किया है थोड़ा देख नहीं पाएंगे सर आपको आता है कोई पानी मुंह से नाक से नहीं आ रहा है ना तो सब कुछ सही हो गया बस आप उसके बारे में सोचो मत अब सर मान लीजिए खाना वाना कितना दिन बाद भी खा पाएगा ऐसे दाल रोटी खाने के लिए 2-3 हफ्ता और नौ सप्ताह और ना ठीक है मैक्सिमम जितना दिन बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं उसमें 3 हफ्ता टोटल और 15 दिन के बाद दाल रोटी ठीक है और इसका आवाज़ मोटा मोटी जो आपको कितना दिन बाद ऐसे आवाज़ का ऑपरेशन नहीं किया है हमने अभी नहीं किए हैं सिर्फ होल बंद किया है हाँ होल बंद किया है तो इसमें तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा लेकिन जब आवाज का ऑपरेशन होता है तो पूरा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा ऊपर हाँ। एक लड़की है देखा आपने उनसे आसाम से आई है हाँ। 1 साल पहले आई थी अच्छा। आवाज का ऑपरेशन किया था अब हमारी तरफ बात करती है बिल्कुल अच्छा। अब उनको हमने जॉ का सर्जरी किया आप बात कर सकते हैं उनसे आप बता देंगे उनको तो ये जो सर्जरी आपको बाद में जो होगा स्पीच सर्जरी जो होगा स्पीच सर्जरी स्पीच सर्जरी करने के बाद मान लीजिए आप आवाज क्लियर होगा ना हमारी तरफ पूरा अच्छा अच्छा वो नेक्स्ट चांस में सर जो 6 महीने के बाद आना आपको उससे पहले मत आओ अच्छा सर ये जो हम अगर मान लीजिए जैसे कि ये सर्जरी जो है ये आपका जबड़े का सर्जरी है हाँ जबड़े का है आपको नहीं करना तो मत करो का मतलब वही है कि मान लीजिए इसका साथ कोई कनेक्शन नहीं ना है कि मान लीजिए आवाज नहीं क्लियर होगा ये नहीं करना नहीं 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 ये दिखाने ये दिखावे के लिए है ठीक है सर तो आपको सिर्फ आवाज के लिए करना है ये मत करो ठीक है ये करो ये कर, हाँ, और ये नाक के लिए हाँ ठीक है तो जो आपको चाहिए वो कर सकते हैं अगर सर संभव होगा तो हम कराएंगे जरूर हाँ, नहीं होगा तो फिर मान लीजिए ये तो कराना है आवाज हाँ, के लिए है तो सिर्फ वो कर सकते हैं अभी तत्काल मान लीजिए इसको जो आवाज जो है कुछ तो इम्प्रूव करेगा सर जो अभी था पहले से अभी बिकॉज हमने फिस्टुला क्लोज किया है ना तो शायद 10-15% इम्प्रूवमेंट होगा 10-15% जरूर होगा सर थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा और नहाना कितना दिन के बाद आज नहा सकते हैं माथा से पूरा कोई दिक्कत नहीं सर और ब्रश मोटा मोटी कल परसों से कर सकते हैं ना हल्का हल्का बोल देना ऑलरेडी आज भी कर सकते हैं ना अच्छा अच्छा और खांसी वासी हो रहा है उसके लिए दवा मिल रहा है ना मैडम 5 दिन के लिए दवा दिए अच्छा अच्छा स्पीच थेरेपी अभी चाहिए नहीं हाँ ना अभी कुछ मत करो गर्म नहीं देना पानी पीने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर दो स्पीच थेरेपी अभी नहीं चाहिए जब स्पीच का सर्जरी होगा हाँ। उसके 1 महीने के बाद स्पीच थेरेपी चाहिए थेरेपी नहीं चाहिए ना अब नहीं चाहिए अच्छा, कुछ नहीं चाहिए अब ऐसे छोड़ दो उनको मान लीजिए अगर इसका ये ऑपरेशन होने के बाद मान लीजिए पूरा फीलिंग हो गया ठीक है होल नहीं होगा होल तुम ऐसे से होल खुलेगा नहीं ऐसा सोचना नहीं चाहिए नहीं बंद हुआ अच्छी तरह से अभी भी अच्छा है तो क्यों खुलेगा सर मेरा डर है क्या जानते हैं हाँ अगला बार जो हम ऑपरेशन कराएं 121 में कराएं उसमें फिर होल हो गया सर इसी के चलते सर मेरा डर है अंदर बात वो नहीं है सर नहीं आप जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस है कि मान लीजिए आप होल नहीं होगा सर नहीं होगा ये होना नहीं चाहिए सर हम इतना दूर से आए हैं मान लीजिए नहीं होगा आपको आप ऐसे सोचो मत जिंदगी में ना देखो हर चीज हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमारे सोच में शक्ति है हमको अच्छा सोचना चाहिए ऐसा नहीं कि
ये हो जाए ये हो नहीं होगा भी, हुआ नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप क्यों सोच रहे हो क्या हो जाएगा, आपको सोचना नहीं चाहिए ऐसा, उसमें है पावर, अच्छा सोचने में अच्छा होता है ना। मैं समझ रहा हूँ आप उदास हैं क्योंकि इनको बॉल सर्जरी आपने कराया है, ये सब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कॉन्फिडेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो सर्जरी टाइम भी अच्छा हुआ, अब 7 दिन के बाद भी अच्छा ही है, इसीलिए तो बता रहा हूँ, देख के ही बता रहा हूँ, और इनको पानी नहीं आ रहा मुँह से तो नहीं आएगा, आराम से जाओ, ठीक है, आप अच्छी तरह से रेस्ट, इनको अच्छा रेस्ट ले दे दो, क्योंकि 2 सर्जरी है, ये इतना मेजर नहीं है बट अंदर का मेजर है, काफी मेजर है, तो ये रिकवरी होने के लिए साइड से चमड़ा लेकर किए हैं सर क्या? नहीं तो चमड़ा नहीं था वहाँ पे, हाँ चमड़ा नहीं था, वो पूरा दाग है, इसीलिए उसका साइड में दाग हो रहा है, और उसके ऊपर दांत निकाला मैंने एक, वो दांत तो मतलब अंदर है, अंदर था, बहुत लंबा दांत अंदर में था, हाँ वो भी निकाला, बिकॉज उसके निकाले बिना मैं सर्जरी नहीं कर पाया, इनको बताया था मैंने दांत निकालेंगे करके, वो निकाला फिर अब अच्छा हो जाएगा। अंदर में जो सिलाई है सर, हाँ तो इसमें कुछ ये नहीं बैठेगा ना सर, उसको साफ करने के लिए इसके पानी, पानी में साफ हो जाएगा अपने आप, हाँ उसको आप अगर कुछ और करोगे तो ब्लीडिंग होगा, नहीं हम नहीं करें कुछ, कुछ नहीं करना ऐसे, खुला करना है कुछ नहीं, नहीं 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 करना है, नहीं करना, नहीं करना ना, नहीं 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 अच्छा अच्छा ऐसे ही छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाएगा, वो अपने आप निकल जाएगा सर, ठीक है।